कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये पालक मेथी और आलू की सब्जी। तो उसके लिए हमने प्याज कट करके लिए है, दो प्याज है यहाँ पर, और एक बड़े साइज का टमाटर, हल्दी आधा चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये एक चम्मच अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, और तेल दो चम्मच। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी को। अभी हमने इसमें तीन चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अभी हम प्याज को फ्राई करके लेंगे, हाफ ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर, हल्दी और नमक भी अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेंगे ताकि कच्चे मसालों की स्मेल चली जाए। मसाला तेल से अलग होने तक हम भूनेंगे इसे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, अब हम इसमें ये भाजी डाल देंगे। इसे मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो दिया था ताकि इसका इसमें जो मिट्टी बहुत रहती है तो इसे अच्छे से साफ करके हम धोएंगे, और पानी बिना पानी के हम इसमें ये ऐड कर देना है क्योंकि पालक में पानी बहुत निकलता है। इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है, पालक के पानी से ही हमारी भाजी रेडी हो जाती है। हम इसे ढक्कन से थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि हमारी ये जो भाजी ऊपर तक आ गई है तो वो थोड़ी नीचे हो जाए। ओपन करके हमने चेक कर लेंगे, देखो भाजी पूरी नीचे जा चुकी है। अब हम इसे सिर्फ ओपन करके ही पकाएंगे। इसमें अच्छा खासा पानी छूट चुका है, देखिए। अब हमें इसे पानी को सुखाना है, आलू भी इसी में गल जाएंगे हमारे। भाजी का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारे घर के बच्चे बिना मैगी मसाले के कोई सब्जी खाते नहीं है, इसीलिए हमें हर भाजी में ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है मैगी मसाले से, और इसकी जगह मैगी के क्यूब्स भी मिलते हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको मैगी मसाला नहीं डालना है तो आप एक क्यूब इसमें ऐड कर दीजिए। ये हमारी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे अब हम एक प्लेट में डिश आउट करेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारी पालक मेथी और आलू की सब्जी बनकर तैयार है, और ये हम रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है ये भाजी, और बहुत ही झटपट बन जाती है, इजी रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, और ऐसी आपको मेरी सारी वीडियोस और रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।